थाना अंतर्गत 15 सितंबर को रेलवे लोको पायलट को धारदार शस्त्र से जख्मी कर लूटपाट करने का मामला सामने आया था, जिसकी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। बहरहाल शहर में चोरी लूटपाट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उसी बीच 15 सितंबर को सचिन वर्मा नामक रेलवे लोको पायलट से लूटपाट कर धारदार शस्त्र से जख्मी करने की वारदात सामने आई है। 34 वर्षीय सचिन वर्मा ड्यूटी से घर लौट रहे थे। उस दरमियान शुभम भगत, मनीष चौहान, मोहम्मद इम्तियाज वलद, राहुल शिंदे, शेख अकबर नामक 5 आरोपियों ने फिरियादी को बीच रास्ते में रोककर लूट लिया तथा धारदार शस्त्र से जख्मी कर दिया। पुलिस द्वारा जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई तथा आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों से चोरी किया गया सामान जब्त किया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू है। जिस दिन से घटना हुई थी उस दिन से इसका फॉलोअप लिया, आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पता के फिरियादी की तरफ से, तब हमको मालूम पड़ा कि जरीपट्टा में रहने वाले इस प्रकार के गुन्ना को अंजाम इसके पहले दिए, उनके तरफ तहसील जरीपट्टा पाचपावली में गुन्ने दर्ज है। ये लोगों को हिरासत में लेने के बाद पूरा गुन्ने का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें शुभम भगत, उम्र 22 साल, राणा जरीपट्टा, बाद में मनीष चौहान, राणा प्रताप नगर, इम्तियाज सुरबातो, नंदनवन झोपड़पट्टी, राहुल बहादुरे वर्धा, ये लोगों को आइडेंटिफिकेशन हुआ। उनको हमारे टीम ने घर दबोचे और बाद में उनको पूछताछ करने के बाद उन्होंने गुना कबूल किया। गुने में छीनी हुई बैग और बाकी जो साहित्य वो भी जमा किए और इनके साथ मालूम पड़ा कि एक जो आरोपी है शेख अकबर वल्द शेख रहमान, गौतम नगर पीएच जरीपट्टा, जिसका भी इन्वायरमेंट था, जबकि इसमें 5 आरोपी का इन्वायरमेंट था, तो ये डकैती के हेड में आता है। तो अभी गुन्ने में डकैती का हेड समाविष्ट किए हैं। 5 आरोपी को हमने हिरासत में ले लिए, विद्यमान कोर्ट से उनका पीसीआर लिया गया है और ये गुन्ना रिटेक हुआ है और आरोपी से पूछताछ जारी है।